नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी देश से प्यार करते हैं और देश के जवानों पर गर्व करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लवेपुरा इलाके में आतंकियों और CRPF जवानों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए। इस मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का एक जवान शहीद हो गया, लेकिन शहीद होने से पहले जवान ने देश के लिए एक ऐसा कारनामा किया कि वो अमर हो गया। दरअसल बुधवार को लवेपुरा में सुरक्षा बलों को आतंकियों के होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च अभियान चलाया और इलाके की घेराबंदी की। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकियों ने जवान रमेश रंजन के सिर पर गोली मार दी। गोली लगने के बाद भी रमेश ने राइफल संभाली और जवाबी फायर शुरू कर दिया। जमीन पर गिरते गिरते रमेश ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। फायरिंग की आवाज सुन बाकी जवान अलर्ट हो गए और 2 और आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। रमेश रंजन को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें शहीद घोषित कर दिया गया। रमेश रंजन बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। मौत के बाद उनके घर पर सूचना दी गई कि मुठभेड़ में जवान रमेश रंजन शहीद हो गए हैं। शहीद जवान रमेश रंजन वर्ष 2011 में CRPF 73 बटालियन के कांस्टेबल पद पर बहाल हुए थे और उनकी पहली पोस्टिंग संभलपुर उड़ीसा में हुई थी। बाद में उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में कर दी गई थी। जवान की शादी आपको बता दें कि 2 साल पहले ही हुई थी।